अयोध्या में श्री राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में 24 घंटे से भी कम का वक्त रह गया है। अगर तैयारियों की बात करें तो सुरक्षा के लिहाज से यहां पर उत्तर प्रदेश पुलिस के जवानों के अलावा केंद्रीय सुरक्षा बलों की तैनाती भी की गई है। अगर इस समय आप अयोध्या आएंगे तो अयोध्या आपको किसी अभेद किले से कम नजर नहीं आएगा। जनवरी 22 की अगर या प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम की अगर हम बात करें तो यहाँ पर अयोध्या में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत 5 से 7 हज़ार विशिष्ट अतिथि अयोध्या में रहने वाले हैं। इनके आवागमन और सुरक्षा को लेकर जो तैयारियाँ हैं उनका भी जायजा लिया जा रहा है और वो तैयारियाँ भी अब अंतिम चरण में हैं। अगर कार्यक्रम के बाद की अगर बात करें तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आह्वान किया है कि यहाँ पर अयोध्या में दीपोत्सव के तर्ज पर यहाँ पर 10 लाख दिए जलाए जाएंगे। ये दिए यहाँ पर घाटों पर, सार्वजनिक स्थलों पर, घरों पर, मंदिर मठों में यहाँ पर रखे जाएंगे और एक बार फिर से अयोध्या जो है वो सजकर तैयार होगी। कुछ ऐसी ही अपील राज्य सरकार ने बाकी प्रदेशवासियों से भी की है कि कार्यक्रम के बाद वो अपने घरों, प्रतिष्ठानों और सार्वजनिक स्थलों पर दीप जलाकर अपने कार्यक्रम इस कार्यक्रम में सहभागिता जरूर दें।